हेलो एवरीवन। तो आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ में राम का रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइक फुल डे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़ के और आपके इतने सारे लाइक्स देख के, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए अब व्लॉग एन्जॉय करिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं ना राम का रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जस्ट सुबह सो करके उठा था और उठते से ही वो भागता है, बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठना। तो वो सबसे पहले तो उठा बेड से तो उसको जेट प्लस जलता हुआ दिख गया, मॉस्किटो रिपेलेंट, तो मुझसे वो मांगने लग गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं मिलेगा आपको। तो फिर वो बाहर निकल गया, मतलब हॉल में चला गया कि अभी और क्या मांगूँ मम्मा से। तो बस उसके सोकर उठते से ही डिमांड चालू हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो। बस मैं पीछे पीछे घूम रही थी उसके, और डेली का मेरा यही रूटीन है। एक्चुअली बहुत सारे लोग, आप लोग बोल रहे थे कि राम का रूटीन शेयर करिए, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह सोकर उठते से ही सबसे पहले मैं उसको ढेर सारे मतलब खूब सारा प्यार करती हूँ। एंड फिर उसके बाद में पता, उसका ये रूटीन है कि वो मॉर्निंग में सोकर उठते से ही ना सबसे पहले फ्रेश होता है। और अभी कुछ टाइम से मैंने उसको पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट किया है। और वैसे तो पॉटी ट्रेनिंग आपको जब आपका बेबी बैठने लगता है ना तब से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं एक्चुअली काफ़ी लेट हो गई हूँ और काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बट आई होप कि ये भी हो जाएगा। ये भी चीज़ जो पॉटी ट्रेन करना होता है ना बेबीज़ को, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बट हो जाता है धीरे धीरे। बच्चे जैसे जैसे समझने लगते हैं और ईजी होते ही जाते हैं। तो मैं ना राम के लिए यूज़ करती हूँ ये लव लैप का अडेप्टेबल 2-in-1 पॉटी ट्रेनिंग सीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। सबसे पहली चीज़ इसमें ना आपको सारे ही बॉडी पार्ट्स जो इसके हैं ना वो डिटैचेबल है, तो अगर से कहीं लेकर के जाना है ना तो काफ़ी इजी होता है। एंड इसके एजेस वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ है, बच्चे को चोट लगने की कोई टेंशन नहीं होती है कि मतलब कहीं से खरोच लग जाए या कुछ लग जाए। मटेरियल जो है इस पर्टिकुलर पॉटी पॉट का वो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ये सीट दी हुई है ना, इसको आप जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल जो रेगुलर कमोड्स होती है ना उन पर आप रख करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें आपको डिटैचेबल इनर बोल मिलेगा जो कि क्लीनिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। आपको एक लिड मिलेगी ऊपर से जो कि जर्म्स वगैरह इधर उधर ना फैले, उसके लिए लिड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जो सीट है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, बच्चा अच्छे से टिक सकता है तो उसके लिए अनकंफर्टेबल नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी थी ये जो पर्टिकुलर पॉटी सीट है ना, ये बहुत अफोर्डेबल 500 समथिंग की है। इसकी जो बाइंग लिंक है ना मैं दे दूँगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। बच्चा छोटा है तो भी इसको यूज़ कर सकता है, लाइक 6 मंथ प्लस जैसे ही बैठना स्टार्ट किया तो, प्लस 3-4 ईयर्स तक जब वो नॉर्मल कमोड यूज़ करने लगे तब भी इसको यूज़ कर सकता है। काफ़ी लंबे समय तक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आज ना सुबह सुबह ही मैंने मेरी फ्रिज भी क्लीन कर ली थी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी था मेरे पास में, प्लस फ्रिज खाली थी। पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ना फ्रिज क्लीन करने का तभी सोचा करो जब फ्रिज में सब्जियां जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हों, सब्जियां और फ्रूट्स दोनों ही। वैसे मेरे ख़त्म तो नहीं हुए थे सब कुछ, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, फ्रिज बहुत ज़्यादा खाली था। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा टाइम तो ना और कुछ भी नहीं होगा फ्रिज साफ़ करने का, चलो कर लेते हैं फ्रिज साफ़। मतलब मैं तो जो अपना ये स्पॉन्ज होता है ना उससे ही अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, लाइक ईच एंड एवरी थिंग बहुत अच्छे से उससे क्लीन होती है। बार बार आप पानी से उसको स्पॉन्ज को क्लीन करते जाओ और उसी से पूरी फ्रिज जो है उसे अच्छे से क्लीन कर लो। मैंने मैट बिछा के रखी है फ्रिज में, बट फिर भी यार गंदा तो होता ही है, तो पूरा ही ऊपर से नीचे तक अच्छे से करना पड़ता है। सिर्फ मैट धोने से क्लीन नहीं होता है, एंड यहाँ किचन पूरा फैला हुआ था। बट क्या होता है जब आप कोई एक चीज़ क्लीन कर रहे होते हो तो उसी टाइम पर इमीडिएटली दूसरी चीज़ें भी थोड़ी बहुत सी फैली हुई रहती हैं। मैं मेरे जितने सॉसेस वगैरह ना और सीजनिंग वगैरह वो उसमें रखती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ये डोर नहीं क्लीन किया था, मतलब क्लीन था डोर, बस जमा हुआ नहीं था, अरेंज नहीं था, और इतना टाइम नहीं था यार मेरे पास कि मैं उसको भी अरेंज करती। बाकी गंदा नहीं था डोर, तो इसलिए मैंने उसको टच ही नहीं किया, अरेंज करने नहीं बैठी। मैंने सिर्फ जहाँ पर थोड़ी मुझे गंदगी दिख रही थी ना जो फ्रिज के अंदर, उसी को किया सिर्फ। सो मैं तो मेरी चाय एंजॉय कर रही हूँ, सुबह से पहली चाय। इन लोगों को जिस दिन मतलब
कई बारों में होता है कि मुझसे जल्दी उठा ही नहीं जाता है, बट फिर भी मैंने somehow मैनेज किया। भिंडी रात में ही काट दी थी, भिंडी और रोटी दिया आज, पराठे नहीं दिए। सो भिंडी और रोटी दे दिया टिफिन में, एंड राम जब तक अपना काम कर रहा है तब तक कि मैं मेरा चाय निपटा लेती हूँ। वैसे वो बहुत देर तक के नहीं बैठता है, क्योंकि इसमें मेरी गलती है, मैंने उसको जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं कराया पॉटी पॉट। अगर से जल्दी इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब जब से आपका बच्चा बैठना सीख रहा है तब से अगर आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो बच्चा यूज्ड टू हो जाता है और काफ़ी अच्छे से पॉटी पॉट में बैठता है। बट कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अभी स्टार्ट किया है। एंड मॉर्निंग वाला तो हम मिस नहीं करते, क्योंकि मॉर्निंग में उसकी हैबिट ही है कि वो सुबह सोकर उठते से ही उसको फ्रेश होना ही होता है। चलिए मैं अपनी चाय इन्जॉय करती हूँ, फ्रिज भी क्लीन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली सुबह सुबह। आज मैं बेड पर नहीं गई वापस, नहीं तो अक्सर ना मैं रात में, जैसे कल रात में मुझे बहुत लेट हो गया था, 2 से ज़्यादा हो गए थे सोते सोते, बट फिर भी मुझे सुबह ऐसा था कि मुझे दिख रहा था कि यार मुझे नहीं, सो गई ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, नहीं सोती, ये तो सो ही रहा था, बट कोई बात नहीं। और इसके पास में अगर मैं सो जाती हूँ ना तो ये लंबा खींच लेता, लाइक 10:30 तक के सोया ही रहता है, मम्मा अगर बगल में सोई है तो, लेकिन मैं नहीं सोई तो ये भी जल्दी उठ गया। और मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना, एक्चुअली मैंने बताया था ना राम ने, ये इसका मेरा बोलो, राम ने एक्चुअली मेरा स्क्रीन गार्ड जो था ना वो तोड़ दिया था, उसकी वजह से भी क्वालिटी बहुत डैमेज हो रही थी, बट अभी मैंने वो ठीक करा लिया है तो अब ठीक लग रही है स्किन। वैसे लाइट भी अच्छी आ रही है, नेचुरल लाइट है। राम को मैंने उसकी फर्स्ट नैप दिला दी, अभी सो रहा है, और मैंने नहा लिया उतनी देर में, सो टच वुड मेरा नहाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया और वो सो रहा है। तो जनरली जैसे जब वो जल्दी उठ जाता है ना तो वो सो जाता है विद इन 1.5 आवर सो जाता है, तो अभी फ़िलहाल वो सो रहा है और वही बनाना खा के ही सोया है वो, और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी खाया था उसने। और मुझे एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं राम को कौन सा मिल्क देती हूँ, तो मैं ना दोनों बच्चों के लिए काउ मिल्क मंगवाती हूँ, और हम लोगों की चाय और हम लोगों के लिए बफेलो मिल्क मंगवाती हूँ, दोनों ही 1-1 लीटर लेती हूँ और हमारा हो जाता है। और पता, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, बहुत वरीड हूँ कि राम ना टॉप फीड नहीं लेता है, ऊपर से दूध नहीं पीता है। मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे बनाना में मिक्स करके दिया, मखाने के पाउडर में मिक्स करके दिया, उसके लिए हलवा वगैरह बना रही हूँ तो उसमें मिक्स करके दूध दे दिया, या फिर उसको दूध रोटी दे दिया, क्योंकि मुझे पता है दूध ज़रूरी है। लेकिन मैंने उसको बहुत एफर्ट लिया, लाइक कांच की बॉटल मेरे पास लव लैब की है, उससे अभी मैंने लास्ट वीक तो पूरा वीक ट्राई करा उसको, सुबह सुबह भी मैं बॉटल में दूध देती थी कि हो सकता है वो लेने लगे, फिर शाम को भी एक बार देती थी, टिमटिम को कांच की बॉटल में देती थी, सॉरी टिमटिम को कांच की ग्लास में देती थी ताकि उसकी ग्लास को देख के वो भी मांगे कि हाँ दीदी कुछ ऐसा पी रही है तो मुझे भी दो, बट नो, उसने दूध नहीं पिया। मैंने 1 हफ्ते कंटिन्यू ट्राई करा बट अभी मैं गिव अप कर रही हूँ, वो सिर्फ मैं उसको मिक्स करके देती हूँ जिन चीज़ों में तो वो लेता है दूध, तो अराउंड आप बोल सकते हो 300 ग्राम के आसपास दूध जाता है उसकी बॉडी में फुल डे में। एंड पता है इस टॉपिक को लेके मैं इतनी वरीड थी कि मैंने मेरे जो लास्ट 2 विजिट हुए हैं ना डॉक्टर के पास, मतलब वो 1 ईयर का हुआ, उसके बाद में जो 1 ईयर वाली वैक्सीनेशन के लिए जब मैं गई थी तब, और फिर 13 मंथ वाली वैक्सीनेशन के लिए जब गई थी, 15 मंथ वाली वैक्सीनेशन के लिए जब गई थी, तो इन दोनों वैक्सीनेशन के टाइम पर ही मैंने डॉक्टर्स पूछते हैं जो हमारे डॉक्टर है कि क्या कैसा चल रहा है, क्या सब खाता है नहीं खाता, तो मैंने उनको बोला कि सर ये ना मिल्क बिल्कुल नहीं पीता है, तो उन्होंने दोनों टाइम हम लोगों को यही आंसर दिया कि दूध नहीं पी रहा तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मतलब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा डिफाइंड है कि बच्चे को 1 ईयर के बाद मिल्क उतना ज़रूरी नहीं होता, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैक्सिमम 600 ml दूध ही बच्चे को पिलाना चाहिए, ये डिफाइंड है, मिनिमम की कोई क्वांटिटी नहीं है लेकिन मैक्सिमम 600 ml ही पिलाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर बच्चा दिन का दूध पीता है तो उसके बॉडी में आयरन का अब्सॉर्प्शन नहीं होगा और बच्चे को फिर ब्लड की कमी होती है, एनेमिक होता है बच्चा और बॉडी जो है वो फूलने लगती है। हाय, आप उठ के आ गए अपने आप, ओ माय गॉड, आप अपने आप
ये अपने आप बेड से उतर के आ गया। ओहो मेरा सोना मोना, मम्मा आप ही की बात कर रहे थे पता है। सो डॉक्टर ने जब ये बोला तो हम लोग थोड़े टेंशन फ्री हुए कि चलो कोई बात नहीं, दूध नहीं पीता तो। लेकिन फिर भी बींग अ मदर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी दूध पिए यार। वो होता है ना कि यार दे दिया दूध और बच्चा आराम से पी रहा है। हाँ ऑफकोर्स बॉटल इग्नोर करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अब जैसे बड़ा हो रहा है ये धीरे धीरे, मतलब 1 ईयर तक एंड इवन 1.5 ईयर तक भी चलता है अगर बच्चा बॉटल फीड कर रहा है तो। उसके बाद बॉटल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं तो वो सोच रही थी कि बॉटल से भी पिए तो यार एटलीस्ट पीना तो शुरू करे, बट इसने नहीं पिया। सो सिपर वगैरह भी अब मैं ट्राई करूँगी, देखती हूँ, हिम्मत नहीं हारूंगी। दूध एक्चुअली वेस्ट होता है बट चाहती हूँ मैं कि ये पीने लगे, लेकिन डॉक्टर ने तो ये बोला था। वैसे आजकल डॉक्टर्स मना करते हैं, इतना तो खैर मुझे पता था कि ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चों को ब्लड की कमी होती है, बॉडी में स्वेलिंग होती है बच्चों के। बट ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि ये थोड़ा तो दूध पिए, क्योंकि इसका वेट गेन ठीक है, मतलब अंडरवेट नहीं है ये, 10 kg के अप्रॉक्स है ये, 10 point something। लेकिन फिर भी ऐसा देखने में चबी चबी सा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा चबी चबी सा होता है अच्छा लगता। क्योंकि डॉक्टर ने ये भी बोला कि मैक्सिमम अभी पूरा 2 ईयर का होते तक के इसका वेट जो है वो 12 kg तक ही होगा, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है बच्चों का, 12 या फिर 12.5, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सो बस यही था वेट के लिए। अभी ये उठ गया तो अब मैं इसको नहलाऊंगी। इसको मैंने अभी ऑयल नहीं लगाया, मालिश आज नहीं कर पाई मैं, क्योंकि इस दिन में बहुत सारे काम थे सुबह। सो बस अब करूंगी इसकी फटाफट मसाज और फिर नहीं नहीं करेंगे हम। आपने सुन लिया ना ना, नहीं नहीं करना करना है, नहीं नहीं कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो? वो चला गया नाई नाई करने। वो नाई नाई मतलब समझता है कि मुझे नहाना है, वो भी ना वॉशरूम के बाहर जाके खड़ा होगा, दिखाती हूँ आपको। हाँ अरे वो तो लैपटॉप है मम्मा का, वो नहीं टच करना मम्मा। मम्मा कुछ मम्मा काम कर रही थी, चने खाते खाते चने के छिलके मैंने अलग कर दिए। बोलो ये बंद कर दो। यस हाँ एक चीज़ और, वो मिल्क की बात चल रही थी, मैंने पूरी बात नहीं बताई। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे एक्चुअली ये भी पूछे थे कि क्या ये मदर फीड लेता है अभी, तो मैंने बोला हाँ लेता है। तो उन्होंने बोला फिर तो बिल्कुल सही है, कोई अगर ऊपर से दूध नहीं भी ले रहा है तो चलता है। और वैसे मेरा प्लान है कि मैं 2 ईयर्स तक इसको मदर फीड करवाऊंगी, क्योंकि मैंने टिमटिम को भी कराया था 2 साल तक के फीड, तो इसको भी करवाऊंगी। एंड बेसिकली मैं सोते टाइम ही, चाहे वो डे की नींद हो, नैप हो, या फिर रात में सोते टाइम ही फीड करवाती हूँ, ऐसे दिन में हर कभी नहीं, क्योंकि अब 1 साल से ऊपर के हो गए बच्चे, खाना खाते हैं, तो सिर्फ सोते टाइम ही फीड करवाती हूँ और 2 साल तक के करूँगी मैं ये। सो एक्चुअली ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप उसको क्या अभी फीड करवाते हो, कब तक करवाओगे, तो मेरा प्लान है 2 ईयर्स का। हाँ बेबी बोलो, गोदी आना है आपको, गोदी आना है। राम की नाई नाई हो गई है ना, नहा लिया इसने, अब मैं इसको कुछ खिलाऊंगी। इसका टीका ना मुझसे ही फैल गया थोड़ा सा। मम्मा बोलो क्या हुआ, क्या हुआ मम्मा? हाँ रात है क्या मम्मा? बोलो। सो राम को मैंने नहला दिया, और नहाने के बाद में जैसे हमें बड़ी तेज़ भूख लगती है ना, बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लगती है, तो ना ये बहुत अच्छा टाइम होता है बच्चों को नहलाने के बाद में, उनको कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसके लिए छोटे छोटे मिनी उत्तपम्स बना रही थी, एंड ये अपना जो बैटर होता है ना चावल और दाल का, वही वाले बैटर का। और ये बैटर मेरे घर में बनता है हफ्ते में एक बार, अभी बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, अदरवाइज़ मैं जनरली बनाती रहती हूँ दोनों बच्चों के लिए। मतलब बच्चों के लिए तो अच्छी चीज़ होती है, बच्चों को पसंद आती भी है। तो मिनी उत्तपम इसलिए बना रही थी कि उसको खाने में भी इंटरेस्ट आए, देखने में भी सुंदर लगे, और 3 से ज़्यादा तो उसने खाया ही नहीं यार। 3 दिए थे मैंने उसको, उसमें भी 1-8 टुकड़े तो उसने फेंक दिया इधर उधर। बट हाँ ठीक है, पेट भी छोटा सा ही रहता है, थोड़ा बहुत भी बच्चे खा ले तो अच्छा। भिंडी की सब्ज़ी एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में बनाई थी ना, तो सोचा 2 में भिंडी लगा देती हूँ और बाकी 2 में मैंने कैरेट लगा दिया, और ज़्यादा कोई सब्ज़ी थी नहीं, ब्रोकली वगैरह होती है तो वो लगा सकते हैं, इवन पनीर भी लगा सकते थे, बट मुझे पनीर का पैकेट फाड़ना पड़ता, सो आई थॉट कि यार बस गाजर लगा देती हूँ कोई बात नहीं। और घी में अच्छे से सेक दिया था तो टेस्ट काफ़ी सही आ रहा था और अच्छा लगा उसे भी, मुझे ऐसा लगा कि उसे अच्छा लगा। ये उसके छोटे छोटे से मिनी उत्तपम्स दे दिए थे मैंने बना करके उसे, और वो आजकल हर चीज़ को चम्मच से खाने बोलता है, भले ही खाते बने या ना बने, बट कोशिश जारी रहती है उसकी।
फिर टिमटिम को स्कूल से लेने जाने का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोग मतलब मैं और राम गए थे आज टिमटिम को लेने के लिए स्कूल। मौसम बड़ा ही मतलब रोड्स बहुत ही गंदी हो रही थी, बट क्या करें, मैं गोदी में लेके जाती हूँ तो बहुत ही थक जाती हूँ, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉलर में ही लेकर के जाती हूँ। और वो इतना हैप्पी था ना टिमटिम को लेने जाने के लिए, गाड़ियाँ मतलब कार और बाइक्स डॉगी देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर घर आने के बाद में दाल, मैंने दाल फ्राई किया था और राइस उसको खिलाया था, और कोई सब्जी वब्जी इस पर मैंने ऐड नहीं की थी, मतलब मैंने बैंगन बलून। अच्छा बताओ, अ डॉग सेज, अ कैट सेज, अ शीप सेज, अ शीप सेज, ओके, अ लिटिल पिग सेज मम्मा, ओके, ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर बोलो, हाँ एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन मम्मा बोलो, अच्छा एरोप्लेन मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ अच्छा एरोप्लेन अच्छा। सो डिनर में मैंने इसको खिलाया दूध रोटी, जो कि मैंने क्लिप नहीं ली, एंड बस अभी इसको मैं सुलाने वाली थी तो ये छोटी सी क्लिप मैंने ले ली थी बेड में जाकर के, उसके पैरों की अच्छे से मालिश कर दी थी। और यहाँ पर जो राम का रूटीन है ना, ये फिनिश हो रहा है, अराउंड 11:30 वो सो गया था। यस, सो मैंने कोशिश करी थोड़ा थोड़ा शूट करके आप लोगों को दिखाने की राम का थोड़ा बहुत रूटीन इस व्लॉग में, बट मैं प्रॉपर भी अच्छे से एक रूटीन बनाऊंगी उसका रूटीन वीडियो। एक्चुअली बताया, दो बच्चों के साथ में और घर की चीज़ों के साथ में ना, मतलब मैं कई चीज़ें निकल जाती है, फिर मुझे आता है शिट मैं तो ये शूट कर रही थी और मैं भूल गई। सो थोड़ा बहुत कर पाई हूँ जितना हो पाया, और अभी मैं एडिटिंग कर रही थी। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं, आई गेस, यस 1:30 बज गए। जस्ट नाउ एडिटिंग फिनिश किया, सब लोग सो गए हैं, बस मैं ही जगी हुई हूँ, तो बस अब मैं जा रही हूँ। वैसे नींद नहीं आ रही बट सो जाऊँगी 2 बजे तक, क्योंकि सुबह टिमटिम का टिफ़िन वगैरह बनाना है उठ करके। एंड कल कल कोई आ रहा है मेरे घर, आप लोग कमेंट में बताना कौन आ रहा होगा। कल मॉर्निंग में ही आ रहे हैं एक्चुअली, 9:30 उनकी ट्रेन आ जाएगी, सो उस चीज़ की भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो एक्चुअली पता, कल से मुझे मैं खैर व्लॉग तो कंटिन्यू रखूँगी, बट एडिटिंग वगैरह के लिए शायद इतना टाइम ना मिल पाए, क्योंकि मैं उनके साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा स्ट्रेच करके, मेरे वैसे अभी भी 2 वीडियोज़ बचे हैं जिनकी एडिटिंग करनी है, देखूँगी, अब आज तो नहीं करूँगी। लेकिन तो मुझे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है कौन आ रहा होगा। सो मुझे लगता है शायद सही गेस कर लोगे, या हो सकता है नहीं भी करो। तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और काफ़ी हैप्पी हूँ। बट कल सुबह उठ के पहले टिमटिम को स्कूल भेज दूँ, फिर मुझे सारी बेड शीट्स चेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है कल सुबह सुबह, और बस बहुत खुश हूँ मैं। कमेंट करना आपको क्या लगता है कौन आ रहा होगा। एंड अराउंड 20 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो मज़ा आने वाला है। बस ये था, डिश वॉशर भी अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया, आई थिंक 12:15 के आसपास लगाया है, तो बस अब वो बंद होने वाला होगा, 1.5 घंटे चलता है। सो डिश वॉशर, किचन भी पूरा क्लीन कर लिया है, सब कर लिया है। कल सुबह टिफ़िन में टिमटिम को शायद मैं अप्पे दूंगी, अप्पे नहीं तो फिर स्पॉन्ज डोसा दूंगी, वो बोल रही थी डोसा। अब आ गई नींद, अभी तक की मुझे नींद जैसा फील नहीं हो रहा था, अभी बात करते करते फील होने लग गया। अब जाती हूँ, लैपटॉप भी बंद करती हूँ। मैं एक्चुअली राम के पास ही बैठ करके उस रूम में ही कर रही थी मैं एडिटिंग, वो भी उसको सोते सोते बहुत लेट हो गया, अराउंड 11:30 के बाद सोया है वो। उसको तो रात में दूध रोटी खिलाती थी, बाद में बस पैरों की मालिश की थोड़ी बहुत, और फिर उसको मैंने कोशिश किया तो सो गया। लेट सोता है बट फिर भी जल्दी उठ जाता है, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना थोड़ी सी देर में, मैं बगल से उठी और फिर उसका हिलना डुलना मम्मा मम्मा करना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, ये जो व्लॉग है उसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।